हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन उस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की क्या प्रोसेस रहेगी, साथ ही उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास पैट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उस केस में आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, सारी बातें करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो फॉर्म है 23 मई 2023 से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट 12 जून 2023 रहेगी और ऑनलाइन पेमेंट की डेट भी 12 जून 2023 ही रहेगी। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाती है तो उसके करेक्शन की डेट 19 जून 2023 रहेगी। साथ ही एग्जाम की डेट यहाँ पर क्लियर नहीं है, एग्जाम 2-3 महीने बाद हो सकता है। एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 40 साल एज आपकी होनी चाहिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अब इनिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास पैट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपने पैट 2022 का एग्जाम नहीं दिया है तो आप ट्रिपल एससी की ये वाली जो वैकेंसी है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो गया पैट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, दूसरा आप 12th पास होने चाहिए, तीसरा आपके पास ट्रिपल सी होनी चाहिए। तो ये 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन है, इसके साथ ही आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि पैट अगर 2022 हमने एग्जाम दिया है तो कितने स्कोर वाले इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इसका आंसर आपको इसके नोटिफिकेशन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर्म तो अप्लाई सभी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जो भी पैट 2022 में अपेयर हुआ है वो सभी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वैकेंसी के सापेक्ष 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। यानी कि अभी हमारी जो वैकेंसी है 1468 वैकेंसी है, इसे अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 22020। तो क्लियरली यहाँ पर 22020 बच्चे बुलाए जाएंगे जिनका एग्जाम लिया जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर फॉर्म तो कोई अप्लाई कर सकता है, बाकी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं 22020 बच्चों की लिस्ट में तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आपका पैट का स्कोर जो परसेंटाइल आपकी 50 से ऊपर है तभी आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 50 से नीचे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई मत कीजिए। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, मात्र इसकी 25 रुपये फीस है, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं, तो आप ऑनलाइन कर भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी के लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है विद पैट रजिस्ट्रेशन नंबर और विदाउट पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो को फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे upttriplesc.gov.in। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेंट सेगमेंट में यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में जारी हुए हैं जिन पर अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं वो सारे ओपन होकर आ जाएंगे। तो फिलहाल एक ही है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का, तो वही यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश जिसमें भी एडवर्टाइजमेंट को रीड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी वैकेंसी की डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की डिटेल्स को भी आप देख सकते हैं, उसकी इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, थ्रू पर्सनल डिटेल्स थ्रू OTP। तो यहाँ पर आप अगर पर्सनल डिटेल से जाना चाहते हैं तो पर्सनल डिटेल से जा सकते हैं, अगर आपके पास जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है जो आपने पैट में भरा था तो यहाँ पर थ्रू OTP पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास नहीं है, अगर आप भूल गए हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं सर्च यूपी ट्रिपल एससी रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स देंगे, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड को दर्ज करके यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 9 रिकॉर्ड फाइंड होकर आ गए हैं, जिसमें हमने यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी फॉर्म भरे होंगे उनकी सबकी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये पैट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट करेंगे। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ही वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर की 4 डिजिट और जीमेल आईडी की स्टार्टिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर आपको दर्ज करना हो और यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। टेंथ की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको लॉक्ड मिलेगी, बट आप इंटर की डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो इनिशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले पैट हमारा चाहिए होगा, तो पैट हमारा क्लियर है तभी हमारा ये फॉर्म लॉग इन हो गया है। दूसरा नंबर पर आपको 12th चाहिए तो 12th की डिटेल्स आपको भरनी होगी। तीसरा यहाँ पर ट्रिपल सी चाहिए तो ट्रिपल सी की डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड भरना है। बोर्ड भरने के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर भरेंगे, 12th का यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे, उसके बाद इशू डेट में यहाँ पर आपकी मार्कशीट में नीचे आपको एक डेट देखने के लिए मिलेगी, उस डेट को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंट सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, वो सिलेक्ट करना होगा। सीबीएसई बोर्ड वगैरह ग्रेड में है नंबर्स, तो ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ परसेंट को सिलेक्ट करके अपने ऑप्टेंड मार्क एंड टोटल मार्क्स को फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ट्रिपल सी है, तो अगर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी के लिए ट्रिपल सी कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन से ऊपर एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स देनी होगी, तो अगर आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैप्चा को फिल करके यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। अब हमें इसमें फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद हमें फीस पेमेंट करना है, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे जो फोटो सिग्नेचर है पैट वाले ऑलरेडी अपलोडेड होंगे, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इसमें अब हम थोड़ी सी एडमिशनल डिटेल्स को और ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपना एज प्रूफ देना कंपलसरी है, बाकी यहाँ पर मूल्यवास देना ऑप्शनल है, और कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी देना यहाँ पर कंपलसरी। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा आप तीनों ही डिटेल्स को कंपलसरी रूप से फिल कीजिए। तो फर्स्ट हमारा जो एज प्रूफ दिया गया है, इसमें हम मैट्रिकुलेशन यानी अपनी 10th की डिटेल्स को भरेंगे, तो इश्यूइंग अथॉरिटी में हमारा जो बोर्ड रहता है 10th का उसे भरेंगे, यूपी बोर्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने सर्टिफिकेट की इशू डेट, जो कि आपको अगर पुरानी मार्कशीट है तो सनद में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर आपके पास जो मार्कशीट और सनद एक में ही है तो उसमें नीचे डेट देखने के लिए मिल जाएगी, वो डेट को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सर्टिफिकेट नंबर भरना है, यहाँ पर आप रोल नंबर ना भरें, तो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना और यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो डॉक्यूमेंट की डिटेल्स है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब हमें अपना मूल निवास की डिटेल्स यहाँ पर देनी है, तो यहाँ पर बच्चों से थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आप देखेंगे मूल निवास के लास्ट में यहाँ पर देखेंगे, मूल निवास जो हमारा इशू होता है वो SDM द्वारा इशू होता है, तो SDM बदायूं या SDM दादागंज इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो होता है तहसीलदार द्वारा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको रेजिडेंट प्रूफ में SDM और उसके बाद तहसील को लिखना है, और जाति प्रमाण पत्र में तहसीलदार उसके बाद तहसील को लिखना है, उसके बाद उसी तरीके से आपको यहाँ पर इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर को भर देना है, जाति और मूल निवास दोनों के। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर तीनों डिटेल्स जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, हमारा नीचे यहाँ पर एड्रेस ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमें कैप्चा को फिल करना है, उसके बाद ऊपर जो तीन डिक्लेरेशन दी गई हैं उन तीनों डिक्लेरेशन को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके। अब हमें यहाँ पर क्लिक हियर टू पे पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके। हमें यहाँ पर 25 रुपए की फीस पे करनी होगी, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेट बैंक MOPS को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू फॉर पेमेंट, उसके बाद नीचे अगेन से SBI MOPS को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पोजीशन, उसके बाद जिससे आप पेमेंट करना चाहें इंटरनेट बैंकिंग, ATM या फिर UPI, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो हम UPI से पेमेंट करेंगे तो UPI को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे QR से पेमेंट करना है तो QR को सिलेक्ट करेंगे, हमारा QR हमारे सामने आ जाएगा, इसे फोन पे पेटीएम किसी से भी स्कैन करके अपनी जो 25 रुपीज की फीस है उसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपकी पेमेंट रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी, जिसे आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। रिसिप्ट को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। आपका फॉर्म जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहाँ ऊपर आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी प्रोसेस, आप इस तरीके से अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को
निकालकर अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।